नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अक्सर हमने चर्चा को होते देखा है। फिलहाल दुनिया भर में हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आज़ादी दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। भारत के साथ ही दुनिया भर में मीडिया की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रेस की आज़ादी के लिए पहली बार साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने मुहिम छेड़ी थी। इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आज़ादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। उस दिन से लेकर आज तक हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आज़ादी दिवस मनाया जाता है। सन 1997 से हर साल 3 मई यानी विश्व प्रेस आज़ादी दिवस पर यूनेस्को गिलेरेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज देता है। ये उस संस्थान या फिर व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रेस की आज़ादी के लिए कुछ बड़ा काम किया होता है। साथ ही इस दिन स्कूल कॉलेज में इस पर चर्चा और वाद विवाद किया जाता है। इसके अलावा इस खास दिन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट रिपोर्ट्स द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारत 142वें स्थान पर है। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के 142वें स्थान को भी खारिज कर दिया था। कांग्रेस के मनीष तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह रैंकिंग गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी की जाती है, सरकार इस रैंकिंग और विचार को स्वीकार नहीं करती है। संगठन ने जो स्थान दिया है वो भी सही नहीं है, ये उनकी अपनी राय है। केंद्र सरकार के इस जवाब के बावजूद भारत में पत्रकारों पर लगातार बढ़ रहे हमलों को नकारा नहीं जा सकता है। भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर लगातार कमी आ रही है और यह जनतंत्र के लिए चिंताजनक विषय है। कहते हैं कि जिसे कोई दबाना चाहे बस वही खबर है, बाकी सब विज्ञापन होता है।